हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी कमिश्नर हम रसेंगा और एक्टिविटीज इस मॉर्निंग है ठीक है और इनके हंजमान ताजरान खेरे हम एक्टिविटीज इसके ननखाना द खवारी जके ना बलो रशोगे ससे और दादी ना इस्तेमाल बलो मसक और डीसीएम दावन गाड़ी है तो कमरे नमीज बलो चैनल दादी खवारी इसकने के ठीक और इनके उबरिक डीएसपी साहब हम बनेंगे ठीक है और इनके वन थ्री केक कसर से थिस कसर से थिस कसर से थिस कसर से थिस और यहाँ दिन दाड़े इनके दो बजे चोरी डकैती और बरसरहाम लोगों को दोष धमकी ये मेरे ख्याल में नोशकी का रवाज ही नहीं रहा। यहाँ पे जितने भी है सारे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता और गरीब और बिजनेसमैन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरे ख्याल में इंतज़ामिया हाफ हमारे सामने मेरा आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुआ था। मैंने बोला नौजवान है और फौज से आप रिटायर हो चुके हैं, आप यहाँ पे कुछ कर ले। इससे पहले ऐसा डीसी यहाँ पे रह चुके हैं जो वहाँ से घर पे तकरीबन डेढ़ बजे यहाँ पे आते थे और आवाम इसी गर्मी में इसी सर्दी में यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते थे। कल से परसों से दो जो वाक़ हुआ है मेरा ख्याल में ये आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। आप मेरा कहने का ये मतलब है नोशकी लावारिस नहीं है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपके पास हमला भी है, तहसीलदार भी है, एसी भी है, पुलिस फोर्स भी है, लेवीज भी है और आपका कमिश्नर भी है, रीजन का कमिश्नर को हता पता ही नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी इज्जत नफ्स महफूज हो। जब हमारी इज्जत नफ्स महफूज ना हो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपका बैठना भी बेसूद। हम यही समझते हैं आप हमारी इन गरीब लोगों की वजह से, दुकानदारों की वजह से जो टैक्स मिलते हैं आपको उसी की माँ बदौलत आपका तनख्वाह आपका हमले का, लेकिन जब हमारा इज्जत माल जान और हमारा नंग नामूस महफूज नहीं है नोशकी में, मैं तो कह रहा हूँ फिर हमारा आना यहाँ पे बेसूद है। इस उम्मीद से हो के आए आपके पास माशाल्लाह, ये भी हमारे एस पी साहब हमारे जानने वालों में से है, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। आप भी नौजवान है, पहली फुर्सत में आपको बताया था कि नोशकी में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसले को आप संभाले। जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपसे नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठना भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लेवीज फोर्स आपके पास है, जासूसी हदारे भी आपके पास है, एफसी आपके पास है, अगर आप ताउन करना चाहे तो मेरे ख्याल में कबायली मामला छोड़ दें, वो हम लोगों पर छोड़ दें, वहाँ पर आप लोगों का बस ही नहीं चलता है, चाहे इसलाह का नुमाइश हो रहा है, चाहे